संजय मिश्रा बने प्रवर्तन निदेशालय के अंतरिम निदेशक। संजय को करनाल सिंह की जगह 3 महीने के लिए बनाया गया अंतरिम निदेशक। तारिक अनवर की कांग्रेस में हुई वापसी, राहुल गांधी ने किया पार्टी में स्वागत। बिहार के कटिहार से लड़ सकते हैं लोकसभा चुनाव। तेलंगाना में बढ़ी कांग्रेस की ताकत, टीआरएस के 2 शीर्ष नेता टी नरसा रेड्डी और एस रामुलु नाइक कांग्रेस में शामिल। राहुल गांधी ने नेताओं को दिलाई सदस्यता। बीजेपी की परेशानी बढ़ाएंगे आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू। आज दिल्ली में शरद यादव और केजरीवाल से करेंगे मुलाकात, कई मुद्दों पर होगी चर्चा। बिहार में सीटों को लेकर बढ़ा संग्राम, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के बीच बैठक। सुशील मोदी बोले, किसी दल को नाराज नहीं होने देंगे। भोपाल में बीजेपी के मीडिया सेंटर का उद्घाटन, संबित पात्रा ने बोला कांग्रेस पर हमला। राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने यंग इंडिया की आड़ में लूट को दिया अंजाम। सबरीमाला विवाद को लेकर अमित शाह ने लेफ्ट पर साधा निशाना, कहा सबरीमाला विवाद में हुई हिंसा के पीछे लेफ्ट सरकार का हाथ। गुजरात में मोदी सरकार का विरोध, पीएम मोदी और स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के पोस्टरों पर पोती गई कालिख, आदिवासियों ने की सरकार के खिलाफ नारेबाजी। भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में बेनॉन गुंजालविस और अरुण फेरेरा को पुलिस कस्टडी में भेजा गया, कल कोर्ट ने खारिज की थी जमानत याचिका। भारतीय सेना प्रमुख बिपिन रावत ने पाकिस्तान को दी सख्त चेतावनी, बोले घुसपैठ रोके पाकिस्तान, नहीं तो अंजाम भुगतने के लिए रहे तैयार। तिरुवनंतपुरम में स्वामी संदीप नंदा कन्या आश्रम में अज्ञात हमलावरों ने की आगजनी, आश्रम पहुंचे सीएम पिनरई विजयन, हमले की निंदा। घाटी में हिंसा को लेकर अलगाववादियों ने बुलाया बंद, श्रीनगर और अन्य जिला मुख्यालयों में दुकानें, सार्वजनिक परिवहन और शैक्षणिक संस्थान बंद। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में सुरक्षा बलों पर आतंकी हमला, ग्रेनेड अटैक में एक जवान शहीद, सब इंस्पेक्टर गंभीर रूप से घायल। जापान दौरे के लिए पीएम मोदी रवाना, जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे के साथ वार्षिक भारत जापान द्वितीय सम्मेलन में करेंगे शिरकत। राजधानी में और बढ़ सकता है प्रदूषण का स्तर, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जारी की 1 नवंबर से 10 नवंबर तक प्रदूषण के बढ़ने की चेतावनी। रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर विरल आचार्य की सरकार को नसीहत, सरकार बैंकों के साथ 2020 मैच खेलना बंद करे, बैंकों की स्वायत्तता पर दिया जोर। वेस्टइंडीज के खिलाफ तीसरे वनडे मैच में भारत ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी करने का फैसला। बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु और किदांबी श्रीकांत फ्रेंच ओपन से बाहर, एकल मुकाबले में हारकर फ्रेंच ओपन से हुए बाहर। बॉक्स ऑफिस पर नहीं चला सैफ अली खान की फिल्म बाजार का जादू, ओपनिंग डे पर कमाए मात्र 1 करोड़ रुपये, फिल्म बधाई हो मचा रही है धूम। और आयुष शर्मा ने सलमान और वरुण संग मनाया जन्मदिन, साथ मिलकर किया कई गानों पर डांस, वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB Live, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB Live, क्योंकि यहां है खबरें लगातार।